हेलो जी क्या हाल है आप सब लोगों का उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और टाइम निकाला मैंने आप सब के लिए क्योंकि आप लोगों को पता है न्यू ईयर है आज तो मैंने इसलिए कि मैं पहले सबसे विश कर दूँ बारह बजे के बाद न्यू ईयर लग जाएगा तो मेरी तरफ़ से आप सबको मेरे घर वालों की तरफ से मेरी तरफ़ से कुकिंग विद की पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत नया साल की शुभकामनाएं आप सबको बहुत बहुत मुबारक नया साल मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि न्यू ईयर के आप लोग को पता है कि पार्टी होती है घर में तो सब ने आना होता है गेस्ट ने रिलेटिव्स ने तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मुझे अभी टाइम मिला है तो मैंने तो आज अपने हस्बैंड को भी कहा कि आज आपने कहीं नहीं जाना आज अपने स्टोर पर नहीं जाना वर्कर्स सब देख लेंगे आपको कोई ज़रूरत नहीं है जाने की आज आप घर हैं और सब काम करवाएं तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की क्योंकि मुझे थोड़ा फ्लू हुआ हुआ था थोड़ा गला भी मेरा खराब है तो इस वजह से मैंने कहा कि आपने काम करवाना है तो उन्होंने सारा काम कर दिया है मेरे साथ हेल्प करवा दी है तो अगले साल भी मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा आज जा काम था लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला अगले साल भी मैं आप, आप लोग को ज़्यादा सारा कमाल है मैं के भाई का तो देख ले मैंने आज के दिन पे इसको याद किया कि मेरी जुबान खराब कर दी हुई है उसने इसलिए मुझे वो मैं दिन में तोतली भी बन जाती होती हूँ ना उसकी वजह से सारी उसकी कृपा है मेरे पे ही तो ईश्वर की कृपा से जैसे मतलब खुशियों भरा साल गुजरा है अगले साल भी खुशियों की तरह खुशियों भरे हों आप लोगों के लिए भी हमारे लिए भी अगले साल भी मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है और आइंदा भी मैं आप लोगों से क्योंकि विद दिन पर मिलती रहूँगी मेरे अपनी बहन का समझने चैनल है तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है और इनके चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जो मेरे से जलते हैं जो मेरे से नहीं जलते उन सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक मेरा बेटा मुझे देख रहा है और वो भी कह रहा है नहीं, नहीं। मतलब मेरी तरह से भी कह दो तो उनको बोलने की इजाज़त नहीं है वीडियो में कि मैं उनको चुप करा के बिठाती हूँ कि तुम लोगों ने बोलना क्योंकि वो बोल देते तो फिर मेरी टेंशी डाइवर्ट हो जाती है मुझे फिर समझ नहीं आती मैं क्या बोल रही थी इसलिए मैं उनको चुप करके बिठाती हूँ कि चुप करके बैठ जाओ जब मैं वीडियो बना लूँगी तो बात करना तो सब की तरह से हमारे लिए अच्छा साल हो बहुत खुशियों भरा साल हो हम सबके लिए जो मेरे से जलते हैं उन्होंने भी कह दिया है क्योंकि उन्होंने जलते ही रहना है उन्होंने अगले साल भी मुझसे जलते ही रहना है तो जलते रहे कई बार नहीं जलने वाले भी तो होने चाहिए ना जब बंदों में शुक्र होता है तो थोड़े थोड़े थोड़ थोड़ उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं और फैंस भी हो होते हैं आप लोग मुझे पसंद करते हैं इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद और अभी मेरी तरफ से साल की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद मैं अपने घर वगैरह के काम वगैरह देख लूँ क्योंकि इवनिंग में पार्टी है तो बाकी सब अरेंजमेंट देख लूँ वैसे तो हस्बैंड चले जाते हैं काम पे अपने स्टोर पे लेकिन आज मैंने उनको रोक लिया है क्योंकि मेरे ससुर चले गए उनको इनको ससुर का स्टोर थोड़ा सा मेरे फादर ने लाया उनका थोड़ा सा दूर है स्टोर तो मेरे हस्बैंड का तो पास में ही है उनके पास ये कि मैं चली जाती हूँ आ जाती हूँ तो दिन में चक्कर लगी जाता है एक तो लाजमी तो आज मैंने उनको रोक लिया था उन्होंने मेरी हेल्प कर दी है बाकी ये है कि आप लोगों से अगले साल भी मिलते रहेंगे बल्कि रोज़ ही मिलते रहेंगे तो फिलहाल मित्र दीजिए इजाज़त आप लोगों से फिर मुलाकात होगी आपकी दोस्त मधुरी बाय बाय अस्सलाम असलमैल नाजन मेरे सब लोग खैरियत से होंगे तो आप सब देखने वालों को कुकिंग विद नाजन की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर और अल्लाह करे ये सौन सा साल है सबके लिए कामयाबी तरक्की और रहमतों का बाइस बने तो हम लोगों ने सोचा कि आप सब बहन भाइयों को भी हम लोग न्यू ईयर की मुबारकबाद दे दें और वो मतलब लोग जो लोग लो लो हमारे हम सपोर्ट करते हैं तो वो हमारी ब्यूटी फैमिली का हिस्सा है तो हम उनको ऐसे खुशी के मौके पर कैसे भूल सकते हैं जब नया साल शुरू हो रहा हो तो उनसे हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम जो लिए दवा को तो हम लोगों ने खाना खा लिया था तो ये मतलब बारह बजे के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था कि कुछ थोड़ा बहुत खाएँगे यहाँ पे सलाद और ये मतलब रखे हुए चिकन पीस हम लोगों ने तो छोटी मोटी सेलिब्रेशन करेंगे उससे पहले तो हम लोगों ने खाना वगैरह घर गर तैयार किया था वो हम लोगों ने खा लिया चावल और सालन वगैरह बनाया था और देखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो हमें सपोर्ट करते हैं और उन लोगों के लिए जो लोग हमसे जलते हैं जिनको हमारे चैनल से तकलीफ है और वो हमारे बारे में बुराइयाँ करते हैं हमारे खिलाफ़ वीडियोज़ बनाते हैं नंगी और गंदी वीडियोज़ बनाते हैं नंगी और गंदी तस्वीरें जोड़ते हैं लख लानत ऐसे लानती पे क्योंकि इस गुजत साल के साथ साथ उन सब पे लानत भेज के अगले साल में जाना है और गंदी यादों को गंदे लोगों को बुरे लोगों को गंदी नज़रों को गंदे दिलों को काले मुंहों को काले लोगों को सबको हम लोगों ने इसी साल में छोड़ के नए ख्वाहिशों नेक, नेक उम्मीदों और अच्छी ची मतलब सोचों के साथ अगले साल में जाना है तो वो लोग जो ख्वाजा के खबार डड्डू हैं एड्स के मारे हुए और टी बी के मारे हुए चमचे हैं वो मतलब जिनका यहाँ पर धंधा जिनका यहाँ पर दो नंबर कारोबार नहीं चला खुसरों का हाँ एग्जैक्टली exactly. खुसरों का जिनका कारोबार यहाँ पर नहीं चला का का हाय बाजी बधाइया बधाइयाँ बधाई करने वाले खुसरे हाँ। जो सारा दिन अपने हाथों को बालों में उलझा के मर्दों का दिल लल जाती है वो वाले, वाले खुसरे एक्चुअल तो में ना सर में उनकी सारी कहानी पता वो यहाँ पे स्टेज ड्रामों पे काम करती थी स्टेज से उनका बैकग्राउंड है अब वो हमारे क्या कहते हैं ना कि अगर किसी में ऐप भी देखो तो उसको पुशीदा ही रखो ना ही किसी का ऐप खोलो हम तो इस तरह के लोग ने किसी के ऐप को मतलब खोलें लेकिन फिर जब लोग बकवास करेंगे तो चित्र तो उनको मारने बनते हैं और उल्टे हाथ के चपेड़े भी उनको माननी बनती है तो ये ज़रूरी था बोलना क्योंकि वो हमारे यहाँ पे एक कहावत है कहते है शरीफ अंदर बढ़िया लुचा गंदा मेरे तो डरिया तो वो वाला हिसाब नहीं करना था कि हम शराफत शराफत में बग़ैर तो के बग़ैर तो गंदी नालों ये जो गंदी नाली के सारे कीड़े इकट्ठे हुए हुए हैं उनकी हम लोग बग़ैरती और बकवासियात सुने हम लोग हरगिश भी हम नहीं सुन सकते हैं उनकी उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा ये जो खुसरों का काम पाकिस्तान में नहीं चला दो टगे पे वहाँ पे जाके बिक रहे हैं और चमचागिरी कर रहे हैं कि उनका कुछ बन जाए तो अल्लाह की ज़ाद बेनियाज़ है ये जिन्होंने गंदी वीडियोज़ और लोग ख्वाजा के खब्वा डू चमचे खड़े किए हुए हैं ना अपने आ, उनको तो अल्लाह पूछेगा कि उनका तो ऐसा बेड़ा गर्क होगा कि वो याद करेंगे ये नए साल में बनवाएँ उन लोगों के लिए और जहाँ पे हम लोग दुआएं दे रहे हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए दिल से है कि वो जो हमसे जल रहे हैं जिनको तकलीफ थी कि हम लोग प्याज जैसा टमाटर भिंडी काटते हैं तुम लोग की माँ बहनों को काटें और क्या ज़ाहरी बात है कुकिंग का चैनल है तो उसी को काटेंगे लेकिन तकलीफ हम, हम, हाँ। हम लोग हाँ हम लोग रोस्ट करें ब्रोस्ट करें हम लोग खाने की वीडियो लगाएं हम जिसकी मर्जी लगाएं तो किसी को किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को भी अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए हमारे रिश्तेदारी के साथ अस्तरल्ला तोबा अल्लाह माफ़ करे ऐसे गंदी नाले के कीड़ों से अल्लाह रिश्तेदारी ना ही करवाए तो बेहतर है रिश्तेदारी हाँ। करने के लिए भी कोई स्टैंडर्ड कोई मीयार कोई क्वालिटी होनी चाहिए इंसान में तो अल्लाह की पनाह से रिश्तेदारों से दूर दूर तक अल्लाह ऐसे लोगों से रिश्ता ना बनवाए

शुक्र अदा करना चाहिए अगर कोई खूबसूरत चीज़ देखो तो हाँ ये जलने वाले ये जो बकवास करते असल में वो आप खुश रहे हैं उनको पता है कि वो इंटरनली खुश रहे हैं और इसलिए वो अपने, अपनी कितनी आ... अपनियाँ तो असल में आप खुस रहे इसलिए वो दूसरों को खुसरा कहते फिर रहे हैं वो काले मुंह वाले काले बंदर हैं और वो है ही पक्के बंदर उनको क्योंकि वो इंसान तो है नहीं इंसानों वाले काम तो उनके अंदर है कोई नहीं इंसानों वाले काम हो तो वो दूसरे को आके बकवासे ना करें अपने गिरे बान में झांक कि अपनी उनकी क्या औकात है क्या है वो तो फिर आके दूसरे पर बात करें हम लोग किसी को रोज़ करते हैं किसी के हक़ में बनाते हैं किसी के खिलाफ बनाते हैं टमाटर काटते हैं प्याज काटते हैं उनको तकलीफ थी कि इनका चैनल ग्रो ना करे व्यूज़ ना मिले इनको लेकिन जहाँ पर अच्छे बहन भाई होते हैं जहाँ पर अच्छे सपोर्टर होते हैं वहाँ पर व्यूज़ भी ते हैं और सब कुछ होता है और अल्लाह की मेहरबानी है अल्लाह का शुक्र है इनशाला कुकिंग वि नाजिन एक बहुत बड़ा चैनल बनेगा और इन ही लोगों के सीने पे मुंगी दलेगा जो आज बकवासें करते फिर रहे हैं हमारे चैनल के खिलाफ वो लोग जो हमें मतलब कमेंट्स करते हैं एक ही फेक आइडियों से सारी जगह वही गन्ना के की गंद कीड़ों के हर कोई वही पे जा रहे होते हैं तो हमें सारे ही पता है लेकिन हम लोग बस चुप किए हुए कि चलो कोई बात नहीं वक्त गुजर जाए क्योंकि ऐसे लोगों को मुंह लगाने से भी ना वो समझते हैं कि हमें मुँह लगाएंगे हमारी पॉपुलरिटी होगी हम मशहूर हो जाएंगे तो वो भी उस पर भी हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों को मुंह लगाने पर भी तो वही एक ही आइडिया जैसे हमें गंदे कमेंट करते हैं फ़ोन करते हैं मैसेज करते हैं क्या तुम लोग अपनी घटिया उका दिखा रहे हो क्या तुम लोग हमें डरा रहे हो कि हम लोग डर जाएंगे क्या हमें थ्रेड करवा रहे हो फोन करवा करवा के तुम लोग हैं तुम लोगों को लाना तुम लोगों पे पहला खिलाना था तुम लोगों को शर्म आना चाहिए अपने गिरे बान में झांको खुसरो बांदरियों हया करो बगैर तो अल्लाह नेक खदा दे अल्लाह नेक खुद दे इन बग़ैरतों अच्छा। को और अब नए साल के वजह से हम हाँ। तो यही करेंगे कि नया साल है उम्मीद होगी कि अभी अपनी बग़ैरती से बाज़ आ जाए अगर ये बाज़ नहीं आएंगे तो फिर हम लोग भी इंशाल्लाह इनकी शगैरतीयों को उनको भरपूर जवाब देंगे हाँ मेरे बहन भाइयों का मैं अपने को शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी कुकिंग को मतलब देखते हैं पसंद करते हैं बाकी वीडियो को देखते हैं उनकी सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ ये मैंने वैसे नहीं कारोबार किया कारोबार जो लोग कहते हैं ना पैसे के पीछे ये तो मेरा एक शौक शौक है मैं शौक पे लगी थी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब कर दिया अब जो जो जेलस है उसे खुद ही ख्याल चाहिए जलने वाले का मुंह काला जलना नहीं चाहिए अल्लाह ताला जलने वालों को पसंद नहीं करता बाकी मैं उन सब को भी दुआ देती हूँ जो हमारे खिलाफ भी हैं जो हमारे साथ हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जिंदगी तंदुरुस्ती दे सबको दे और सबको अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे आइंदा साल हमारे लिए सबके लिए तरक्की का बास बने बस मेरे बहन भाई दुआ हमारे लिए करा करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ सपोर्ट करें चलो जिन्होंने नहीं भी किया अल्लाह उनका भी भला करे ठीक है ओके अगेन हैप्पी न्यू ईयर अल्लाह हाफिज़